मुंबई के बायखुला के लकड़ी मार्केट में आग लगी, किसी के घायल ना होने की आशंका जताई गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एस धामी ने देश में फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। वो देश की पहली ऐसी महिला वायुसेना अधिकारी है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने अपने 100 से ज्यादा एसएसजी कमांडो फोर्स तैनात किए हैं। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए पाक की बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकी मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद पहली बार बिहार महागठबंधन की बैठक पटना में शुरू हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चल रही बैठक में सभी दलों के लोगों को शामिल किया गया। रेलवे शताब्दी तेजस व गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के किराए में 25% छूट देगा। रेलवे का उद्देश्य इन ट्रेनों की खाली सीटों को भरना और राजस्व में वृद्धि करना है। चंबा में मूसलाधार बारिश की वजह से भारंगाला के पास बना पुल बहने से मणि महेश यात्रा पर हजारों श्रद्धालु और वाहन दोनों तरफ फंस गए। हरसल और भरमौर को जोड़ने वाला यह पुल। इसके बाद प्रशासन ने यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं को निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की। लोक निर्माण विभाग इस काम में जुट गए हैं। बादल फटे से धराली खड्ड में बाढ़ आ गई है। बड़े बड़े पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। इसमें एक दर्जन गाड़ियां दब गई और कई घरों में मलबा भी घुसा है। मलबा आने से नेशनल हाईवे 5 भी बंद हो गया जो 9 घंटे बाद बहाल हो पाया। चित्रकूट में मुहर्रम त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के साथ आपस में भाईचारे और बिजली पानी साफ सफाई के बारे में कर्मी शहर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को खुद से पैसा किए गए आर्थिक संकट का समाधान नहीं सूझा। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री खुद के पैदा किए हुए आर्थिक संकटों का हल नहीं निकाल पा रहे। आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे गोली लगने से घाव पर बैंडेज लगाना। सरकार के आरबीआई से 1.67 लाख करोड़ लेने संबंधी कदम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को नहीं मालूम कि स्वनिर्मित आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए। आरबीआई से चुराने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यह किसी दवाखाने से बैंडेड चुराने जैसा ही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने यहां निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों से मुलाकात भी की। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की मंशा फैक्ट्री के निजीकरण की है। प्रियंका ने कहा कि सरकार के इस फैसले का कोई आधार नहीं, इसका एकमात्र आधार राजनीतिक है। ट्रंप मोदी की मुलाकात की थोड़ी देर बाद पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान वो झल्लाहट में यहां तक बोल गए कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर ऐतिहासिक गलती की है। कश्मीर के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु स्वदेश लौट आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि दो फाइनल हारने के बाद मिली जीत से बेहद उत्साहित सिंधु ने अपनी भावनाओं का इजहार सोशल मीडिया पर भी किया। देश के सराफा बाजार में सोना रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई को छूते हुए 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिकने लगा है। ऐसा मजबूत विदेशी संकेतों और घरेलू वायदे में आई तेजी की वजह से हुआ। चांदी का भाव 76,000 प्रति किलोग्राम से ऊपर चला जा चुका है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मसले पर।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफनाती शिवना नदी का पानी मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर तक पहुंच गया। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर ये पानी पहुंचा है, लोगों में हड़कंप भी। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आपको बता दें क्योंकि ईडी दिल्ली हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक को हटाने के खिलाफ जल्द सुनवाई करने वाली है और अर्जी भी दाखिल कर सकती है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने जिन दो लोगों को बंधक बनाया उनमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका गोलियों से छलनी शव मिलने के बाद दूसरे शख्स की खोज भी अब तेज हो चुकी है। केविन जोसेफ हत्याकांड में कोट्टायम की प्रधान सत्र न्यायालय ने सभी 10 दोषियों को दोहरी उम्र कैद की सजा सुना दी। केविन का शव कोल्लम के तेलमला में एक नहर में मिला जहां पर इसे बरामद किया गया। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस वक्त कड़ी नाराजगी जताई जब हिंदू पक्षकार ही रामलला के विरोध में उतर आए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अखाड़े को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका यह दावा अटपटा है, सेवियत होने के नाते केवल आपकी याचिका ही विचार योग्य। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए दिल्लीवासियों के पानी बिल का बकाया माफ कर दिया। केजरीवाल ने बताया कि पानी बिल से एरियर हटा दिया गया है, जिन लोगों के घर में फंक्शनल मीटर है उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक ने जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार को भारी भरकम यानी कि 1,76,51 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया। इसमें से रिकॉर्ड 1,23,414 करोड़ रुपए राशि सरप्लस के रूप में होगी जो आरबीआई वित्त वर्ष 2018 से 2019 के लिए सरकार को ट्रांसफर करेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला चुका है। आतंकवादी पानी के रास्ते भारत पर अटैक करने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपने अंडर वाटर विंग के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्व विधायक अखिलेश सिंह के घर रायबरेली गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश सिंह का निधन आपको बता दें बीती 20 जुलाई को हुआ था। लखनऊ के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक के बाद यह निर्धारित हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग में मीडिया सेल बनेगा। मुरादाबाद में चलने वाले जन आंदोलन के शुरू होने से पहले ही कुम्हारों के अच्छे दिन आ गए। कुम्हारों को कुल्हड़ बनाने के ऑर्डर मिल गए हैं, वो एक दिन में करीब 2,000 कुल्हड़ सप्लाई कर रहे हैं। एटा के जलेसर में पिछले दिनों हुए लेन देन के विवाद में पिता बेटे की मौत पर पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आक्रोशित आरोपी के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कन्नौज बीच सड़क पर साड़ों के लड़ने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें बीच सड़क पर लोगों को दिखाए दावपेच, साड़ों ने घंटों कुश्ती चलती रही। मामला तिवा कस्बा का। ग्रेटर नोएडा में आपको बता दें युवकों पर ठगी का निशाना उन्हें बनाया गया। इंटरनेट पर एड देकर लगभग 40 लोगों से लाखों की ठगी की गई। मामले में पीड़ित लोगों ने दो लोगों को ऑफिस से पकड़कर पुलिस को सौंपा। ठगों से पूछताछ जारी है। ठगों ने दादरी के रेलवे रोड पर अपना ऑफिस भी बनाया था। सहारनपुर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर रैली निकाली। जिला प्रशासन से चंद्रशेखर को रिहा करने की मांग की। देवरिया के स्कूल में क्लास 1 से 3 तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल में बने टाइल्स लगे कमरे में सड़क बनाने वाले मजदूर हैं। सड़क बनाने की सामग्री रखकर ठेकेदारों ने कब्जा किया था। फिरोजाबाद में अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई। बस टकराने से 12 यात्री घायल, 7 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। मामला नसीरपुर के एक्सप्रेस वे का। हमीरपुर के जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां वृद्ध बंदी की अचानक तबियत खराब होने से अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे कानपुर रेफर किया गया। वैन से ले जाते वक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने पर वैन की डिग्गी का गेट खोला गया। कन्नौज में ऑटो रिक्शा चालकों ने हड़ताल की। हड़ताल के बाद रिक्शा चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही रिक्शा चालकों ने प्रशासन पर पैसे ज्यादा वसूले जाने का भी आरोप लगाया है।
फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं, 7 की हालत गंभीर है। वहीं सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल भेजा गया है। मुरादाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला डाल दिया। आपको बता दें, सभी अधिकारी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकल पाए। सफाई कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे ना पूरी होने पर सफाई व्यवस्था ठप्प करने की धमकी दी है। लखनऊ में महिला अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट हुई। महिला के भाई और पिता को पीटा गया। मारपीट में 6 लोग घायल हुए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद वकीलों ने थाने का घेराव भी किया। ये पूरा मामला गोमती नगर के थाने विनयखंड 3 का है। मुरादाबाद रेल स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था को परखने के लिए सर्वे टीम के दोनों सदस्यों ने रेल अधिकारियों से अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। मिर्जापुर से चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एंटी इंफेक्शन जोन चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती। उमस भरी गर्मी में बच्चों का इलाज हो रहा है। हर दिन करीब 2 बच्चों की मौत भी हो रही है, लेकिन बच्चों की मौत पर विभाग लापरवाह। झांसी के विकास भवन में झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने विकास कार्यों की मीटिंग ली है। इस मीटिंग में जिले के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद। शामली में पब्लिक ने 5 महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में जमकर पीटा है। महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में अतिक्रमण को लेकर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी नगर निगम पहुंचे। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के निर्देशों के बाद भी गलत तरीके से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। झांसी के शाहजहांपुर में सिपाही के क्वार्टर में सांप घुस गया। इसके बाद हड़कंप मचा। आनन फानन में सपेरे को बुलाया गया और किसी तरह सांप को पकड़वाया गया। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबौली माताजी पार्क में टहलने गए व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीमारी की वजह से मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। ललितपुर में पुतली घाट में नदी के उफान की वजह से आपको बता दें 96 घंटे में 100 से ज्यादा ट्रक फंसे हैं। गाजीपुर में देवकली गांव में मुआवजे के पैसे की जालसाजी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था के कोई ठोस कदम न उठाने पर भरत सिंह कुशवाहा ने आत्मदाह करने का अल्टीमेटम दे दिया। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने भारी मात्रा में रेलवे स्टेशन से शराब बरामद की, जिसे ईएमयू से गाजियाबाद लाया गया था और बिहार ले जाने की तैयारी थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद आरोपी मौके से फरार। बागपत के गुराना रोज मोहल्ले में रुपयों के लेनदेन को लेकर बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर बैठे युवक को सरेआम गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में ट्रक ड्राइवर से वसूली करते वक्त पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। चौराहे पर रोज भारी जाम लगता है, लेकिन जिले की यातायात पुलिस वसूली में मस्त है। मामला पीजीआई थाने के उतरेठिया पुल का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के एक मकान में युवक का शव लटकता मिला है। आपको बता दें, परिजनों ने कुछ साथियों पर हत्या का शक जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के थाना हरिपर्वत के बीच चौराहे पर चलती बुलेट में आग लग गई। बुलेट सवार युवक ने कूद कर जान बचाई। बरेली के बहेड़ी केशर चीनी मिल में 3 शेड सही करते वक्त टीन से नीचे गिरने पर एक मजदूर की मौत। पुलिस को मामले में कोई शिकायत नहीं मिली। पुलिस का कहना कि मैनेजमेंट और मजदूर के परिवार बीच में समझौते की बात कर रहे हैं। बुलंदशहर के मिर्जापुर गांव में बच्चा चोर गिरोह की दहशत की वजह से ग्रामीण बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। लोग रात को जाकर पहरा देने को मजबूर हैं। संभल के गिनौर में बच्चा उठाने के शक में भीड़ ने मंदबुद्धि महिला की पिटाई कर दी है। भीड़ ने महिला पर ईंट पत्थर बरसाए। घटनास्थल के पास निजी डॉक्टर ने क्लिनिक में बंद कर महिला की जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और भीड़ को खदेड़ा। बस्ती में NH-28 हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। इसमें 2 सरकारी कर्मचारी के साथ एक महिला घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत के कारण चल रही। आगरा में ढाबे पर खाना खा रहे डॉक्टर से चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभद्रता की है। डॉक्टर और इंस्पेक्टर के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अलीगढ़ के धनीपुर हाईवे पट्टी पर हवाई जहाज क्रैश हो गया। जागीरा एयरक्राफ्ट हवाई पट्टी पर क्रैश हुआ था।
बदायूं में कासगंज से बरेली जा रही ट्रेन का इंजन फेल होने से बरेली कासगंज रूट 3 घंटे तक बाधित रहा। ट्रेन का इंजन फेल होने से यात्रियों को भारी दिक्कत हुई। उन्नाव के भारत खेड़ा गांव में देर रात साथियों के साथ मेला देखकर लौट रहे युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। गांव के बाहर युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर मिलते ही पुलिस पहुंची। सीतापुर के मशहूर शोरूम सुबलग्न में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने शोरूम में रखे हजारों कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। मुरादाबाद के दसराय में मजदूर के साथ टप्पेबाजी करते वक्त जेब कतरे को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर युवक की पिटाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। लखनऊ के गुडम्बा में बेखौफ चोरों ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पीछे एक हॉस्टल से लैपटॉप, 2 मोबाइल चोरी कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जालौन में घर बेचने में बाधक बन रही पत्नी को पति ने 3 तलाक दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। शामली के कैराना में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। शिक्षा सेवा अधिकरण लखनऊ में बनाए जाने और प्रयागराज के तमाम सरकारी कार्यालयों को लखनऊ ट्रांसफर किए जाने के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रयागराज बंद करने का आह्वान किया। बैद्यनाथ असली आयुर्वेद पेश करते हैं प्रकृति का अनमोल तोहफा, बैद्यनाथ जूस, रखे मस्त और तंदुरुस्त। बैद्यनाथ सच्ची सहेली।